उर्दू डिक्शनरी बोर्ड एक पाकिस्तान का गालबन जो कदीम तरीन इलमी इदारे हैं उनमें से एक है। इसके पहले जो मदीर आला थे, चीफ एडिटर थे, वो मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू थे, और उस वक्त इतर हुसैन ज़ुबैरी और मौलवी अब्दुल हक और इन सब लोगों ने ये तय किया कि अब अगर इदारा कोई हुकूमत पाकिस्तान बना रही है और लुगत की तदवीन के लिए बना रही है तो वो आम सी लुगत नहीं होनी चाहिए। इतरत हुसैन ज़ुबैरी साहब ने इसे तजवीज़ पेश की कि ऑक्सफोर्ड ग्रेटर डिक्शनरी जो है उसकी तर्ज पर, हिस्टोरिकल पैटर्न पर, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स पर हम एक लुगत उर्दू की मरतब करें। तो इसका नाम रखा गया उर्दू लुगत तारीख़ी उसूल पर। आम तारीख़ी उसूल ये है कि उस लफ्ज़ को आप ये दिखाएँ कि ये सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ है और किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो अब ये किया गया कि तीन अदवार में तकसीम किया गया उर्दू। तो पहले तो कार्ड्स बनने शुरू हुए, स्कॉलर्स ने जो यहाँ पे जॉब करते थे उन्होंने भी, और जो ज़माने में पाकिस्तान भर में स्कॉलर्स थे, कराची में थे, उनको किताबें भेजी जाती थी कि आप ये किताब पढ़ें और आप इसमें से कार्ड्स बनाएं, उनके जिस जुमले में वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो जुमला लिख दें नीचे, और किताब का नाम और मुसन्निफ़ का नाम और सफ़ा नंबर। तो ये शामिल करने के लिए कि जैसे अब नियाज़ फ़तेहपुरी मौजूद हैं, बेशक वो हमारे इदारे में नहीं थे, लेकिन अब नियाज़ फ़तेहपुरी साहब का कंट्रीब्यूशन भी आ गया इस लुगत में, डॉक्टर शहीदुल्लाह का भी आ गया कंट्रीब्यूशन। इस तरह से बेशुमार जो स्कॉलर्स थे पाकिस्तान भर में फैले हुए उनके कंट्रीब्यूशन भी शामिल हो गए इस किताब में, और जो यहाँ पर बाकायदा मुलाजिम थे जैसे जोर साहब थे यहाँ पर, नसीम अमरोगी साहब थे, अपने जॉन एलिया थे, तो इस तरह के बहुत जो ज़बान व अदब के कुदरत नकवी साहब थे, अच्छे ऐसे स्कॉलर्स थे कि जो बंगाली भी जानते थे, कुछ लोग संस्कृत जानते थे, कुछ हिंदी जानते थे, कुछ पंजाबी पे वो रखते थे, गुरमुखी पढ़ सकते थे। उन सारे स्कॉलर्स ने ये काम किया और 1958 में ये इदारा बनाया। 20 साल समझिए एक तरह से होमवर्क होता रहा कि अब ज़ाहिर जो किताब पढ़ी जा रही है उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे जो कार्ड बने हैं वो अलिफ से शुरू हो रहे हैं, कोई कार्ड सीन से शुरू होगा, कोई कार्ड जीम से शुरू होगा, कोई कार्ड मीम से शुरू होगा, तो उनको उसी तरतीब से लगाते रहे ये लोग। और फिर जब महसूस किया कि अलिफ के सारे कार्ड, सारे लफ्ज़ हो गए मुकम्मल, तो वो अलिफ की जिल्द छप गई, फिर बे की जिल्द छप गई, फिर पे की जिल्द छप गई। तो ये छपने में भी जो है ना 32 साल लगे। 20 साल के बाद तो ये छपने का सिलसिला शुरू हुआ और 32 साल मुसलसल ये छपती रही 22 जिल्दें, और यूँ ये 52 ईयर्स में ये पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ।